इससे इसे बचाने के लिए किसी को किडनी देना पड़ेगा, किसी को लीवर देना पड़ेगा, किसी का ऑक्सीजन लगेगा, किसी का खून लगेगा। जी सरकार गिर ही जाएगी, सरकार तुरंत गिर जाएगी कि एक बार फिर से 2005 रिटर्न हो सकता है। शीशे की तरह साफ है जेडीयू बीजेपी के बीच तनातनी है। रोए के तरह नहीं तब तक खीए खुदा गया। नीतीश कुमार की असहजता साफ साफ है। मैं बार बार असहजता बोलूंगा, मैं हर पोस्ट में असहजता बोलूंगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम आपको हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिसके आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। ऐसा मैं अक्सर कहा करता हूं, लेकिन क्यों कहा करता हूं ये बातें आज जो है जब पूरा आप अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, तब आप जो है आप भी इस मनोस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप भी कहेंगे कि नहीं, जो भारत लाइव के जो एंकर हैं ये बात जो लगातार दोहराते हैं तो क्यों दोहराते हैं। चलिए, आज जो है हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसके आगे जो है आप विस्मयादी बोधक चिन्ह तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ बिहार की आने वाली जो राजनीतिक भविष्य है उसका ये सूत्रधार भी है। ये खबर लगातार बीजेपी और जदयू के बीच, यानी कि हम पूरे एनडीए कुनबे की बात कर रहे हैं। एनडीए कुनबे मतलब बीजेपी और जदयू कह दीजिए तो आप एनडीए कुनबा हो जाता है, क्योंकि दो जो और दल है वो तो किसी ना किसी के साथ ज्वाइंट वाला जो है लगे हुए दोनों दल। बिल्कुल बिल्कुल। और सीधे तौर पर यह देखेंगे कि तनातनी लगातार बनी हुई है और ये तनातनी अब इस कदर बढ़ गई है कि अब सरकार गिरने तक की नौबत आ गई है। अब ये बात हम ऐसे कैसे कह रहे हैं इसका भी हमारे पास सारी बातें हैं, और इस सेशन में एक बहुत खास बात होने वाली है। 5-5 मिनट का सबको समय मिलेगा। आप कहेंगे किसको किनको समय मिलेगा, तो हम सबसे पहले जो है पहला जो 5 मिनट है हम आप जो हमारे साथ वरिष्ठ रिपोर्टर हैं अभिषेक मिश्रा जी, उन्हें हम पहला 5 मिनट देंगे। इसके बाद बाबा भी आएंगे इस सेशन में, इसके बाद हमारे संपादक नमन मिश्रा भी इस सेशन में आएंगे। और राज वाली बात है, बहुत सारी राजफास की बात है, लेकिन बहुत सारी चीज जो है अब क्लियर हो गई है। तो चाहेंगे सर जो सबसे पहले आप जो है इस राज को खोलिए, रातों रात में आज इस राज को खोलिए, किस तरह से जो है तनातनी अब किस स्तर तक जाके पहुंच गई है। देखिए, सबसे पहले आपने सरकार गिरने वाली बात कही। जी, सरकार गिर ही जाएगी, सरकार तुरंत गिर जाएगी, ये कहने का जोखिम हम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है ना, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। जी, हम बात करते हैं घटनाक्रमों पर, हम बात करते हैं उस इनपुट पर जो अंदर खाने से हम निकाल कर लाते हैं, हम बात करते हैं उन तथ्यों पर, उन बयानों के आधार पर जो हम निकाल लाते हैं, जो हम खोज लाते हैं। जी, तो हमारे पास जो तथ्य हैं, हमारे पास जो इनपुट है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, और जो ताजा बयान हमारे पास है, उस हिसाब से तो लगता यही है कि सरकार चलनी मुश्किल है, सरकार चलेगी नहीं, और जेडीयू बीजेपी की दोस्ती जो है वो टूट की ओर बढ़ रही है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, शीशे की तरह साफ है, जेडीयू बीजेपी के बीच तनातनी है। वो तनातनी आप चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हो, बीजेपी जिस तरह से अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़े उसको लेकर हो, लेकिन तनातनी की सबसे बड़ी वजह चिराग पासवान है। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। यह बात आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल मैं कह सकता हूं, मैं समझा देता हूं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का वो इंटरव्यू आपको याद होगा, फिर जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने, यह बड़ा सवाल है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, इसको लेकर सस्पेंस बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है कि क्या जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान से बिहार में खुद को अलग किया और यह कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जो नहीं मानेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा, क्या वही स्टैंड केंद्र की एनडीए को लेकर भी बीजेपी का है? क्या केंद्र की एनडीए में भी चिराग पासवान, केंद्र की एनडीए से भी बीजेपी ने चिराग पासवान को आउट कर दिया है? अगर आउट किया है तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है, यह बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जेडीयू को यही अखड़ रहा है। जेडीयू भी मानती है, बीजेपी भी मानती है, और जो एनडीए के घटक दल हैं, दूसरे घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी, वो भी ये मानते हैं कि चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है और जेडीयू को तो 25-30 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है जेडीयू को नुकसान पहुंचाया तो एनडीए को भी नुकसान पहुंचाया। अगर आज एनडीए की सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में नहीं है, बहुत कम सीटों के अंतर से सरकार चल रही है एनडीए की, तो उसकी एक वजह चिराग पासवान भी है। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी से जेडीयू से ज्यादा बड़ी हैसियत बीजेपी की अगर आज है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो वो राजनीतिक जमीन चिराग पासवान ने
ही बीजेपी को दी है। अब ये बात बहुत अखड़ती है जेडीयू को, ये बात बहुत नागवार गुजरती है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा, उसी नीतीश कुमार को, उसी नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया, और चिराग पासवान रोज दावा करते हैं कि हम केंद्र के एनडीए में हैं, और इस आग में घी का काम किया है जीवेश मिश्रा के एक बयान ने। जीवेश मिश्रा जो बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान तो एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। और इससे थोड़ा पीछे जाइए, आपको 4-5 दिन पहले का वो इंटरव्यू याद होगा, जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए बीजेपी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं चिराग पासवान पर, लेकिन जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान से खुद को अलग किया, हम तो मानते हैं कि दूसरी जगहों पर वही स्टैंड होगा। जब हम सवाल पूछ रहे थे, जब हमने सवाल पूछा वशिष्ठ नारायण सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है क्या रहना चाहिए चिराग पासवान को, तो इतने तल्ख तेवर हैं जेडीयू के। अब आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार, उन्होंने तो जेडीयू को औकात बता दी, ये कह दिया कि चिराग पासवान पर नसीहत देने का नैतिक अधिकार ही नहीं है जेडीयू के पास। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों दलों के बीच के रिश्ते अब मौजूदा वक्त में कैसे हैं। सर, आपके पास आखिरी 30 मिनट बचे हुए हैं, 30 सेकंड बचे हुए हैं, माफ कीजिएगा। तो 30 सेकंड में मैं अपनी बात रख लेता हूं, 30 सेकंड में मैं अपनी बात यही रखूंगा कि जो बयान है, जो घटनाक्रम है, और जेडीयू और बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें हैं, वो खबर यही है, उस आधार पर हम ये दावा कर सकते हैं कि जेडीयू बीजेपी के रिश्ते अब सामान्य नहीं हैं, दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ रही है। और एक और बड़ी खबर जो हम अंदर खाने से जो हमारे पास इनपुट है उसको लेकर दे रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी दूध की मक्खी की तरह निकालने जा रही है, ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला है। जेडीयू के कहने से तो चिराग पासवान को केंद्र के एनडीए से बाहर नहीं करेगी बीजेपी, फिलहाल मुझे यही लगता है और हमारे पास इनपुट भी इसी तरह का है। चलिए चलिए, अब जो है अभिषेक मिश्रा सर से हम विदा लेते हैं, बाबा को है हम आमंत्रित करेंगे। बाबा आप जो है राजनीतिक विश्लेषण के गुरु रहे हैं, आपके पास भी, लेकिन आज बाबा 5 ही मिनट है, 5 ही मिनट में अपनी बात बाबा रखनी है कि ये जो एक बड़ा बात जो आ रहा है सर, हर जगह जो है पूरे अगर मीडिया जगत में एक बड़ी बात फैली हुई है, भारत लाइव की टीम ने एक्सक्लूसिव ये सारी बातें बताई हुई है कि सरकार में जो है अब हम जदयू और भाजपा की बात करें, तनातनी जो है एकदम जोरदार तनातनी चल रही है, कैसे बाबा आप इस बात से सहमत रख रहे हैं? 30 से 35 सेकंड में पहले मैं भूमिका बता दूं जी बिल्कुल कि भारत लाइव ये बातें क्यों कह रहा है। इसके पीछे हमारी 6 महीने की लगातार शोध है। 6 महीने पहले जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी या चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी थी, वैसे ही संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बातें स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि चुनाव के पहले जो कुछ भी होना है हो जाए, चुनाव के बाद की राजनीति बिहार में बड़ी होगी जी, और वो नजर आने लगा है जी बिल्कुल। संपादक नमन मिश्रा जी ने साफ तौर पे कहा था और मुझे भी याद है कि मैंने भी कहा था कि एक बार फिर से 2005 रिटर्न हो सकता है, यानी कि सरकार की स्थिति और सरकार एक बार फिर से या तो चुनाव में जा सकती है या बदल सकती है जी बिल्कुल। हम इस पर लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और जिस तरह का जनादेश आया है, हालांकि जनादेश वो मैजिक आंकड़ा 122 का उसके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत महीन सी लकीर है जो 3 अंक जो है 3 सदस्य ज्यादा है, लेकिन वो 3 सदस्य कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के आए हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है ना गठबंधन के, वो परमानेंट साथी हैं। परमानेंट साथी है, नहीं है इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको पता है कि मुकेश सहनी कब आए जी, जब अंतिम समय चरण चल रहा था जी बिल्कुल। इससे पहले जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी एनडीए में रहते हुए वो नीतीश कुमार के खेमे में है जी, और खेमेबाजी भी हुई है, एक साथ कभी एनडीए नहीं बैठा है। उसके बाद मुकेश सहनी का शुरुआत करना इस पूरे मामले में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जी बिल्कुल, और इससे बवाल शुरू हो गया जी। उसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो चिराग पासवान बनकर के आए। आखिर चिराग पासवान चुनाव तक, जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक इतने अग्रेसिव क्यों थे, और चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए, सरकार बन गई, तो उन्होंने 6 महीने की चुप्पी क्यों साधी जी बिल्कुल। और इन दोनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गेम था जी, इससे आप इनकार अब नहीं कर सकते जी बिल्कुल, चाहे चिराग पासवान जितना भी इस बात को कह लें। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट है सुमन जी, जो हम लगातार इसको इंगित करते रहे हैं। हमने बार बार ये बताया है कि क्या वो लोग जो लंबे समय से बिहार के मंत्रालय में थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत कंधा थे जी, बहुत मजबूत लोग थे, बहुत अनुभवी लोग थे, क्या वो अब उस लायक नहीं रह गए कि वो मंत्रालय में रहें जी? तो फिर वो नहीं रह गए हैं तो नीतीश कुमार क्यों जी? एक प्रश्न ये था, और सारे लोगों को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया, और आरएसएस के
हम आरएसएस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए जो कैडर लोग थे उन लोगों को क्यों इस बार मंत्रालय में ज्यादा तरजीह दी गई। जी बिल्कुल। अब इन सब नए लोगों के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाना है नीतीश कुमार को, यह बड़ी एक टेढ़ी खीर हो रही थी। जी बिल्कुल। क्योंकि 2005 से जो लोग एक साथ नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, यह कंफर्म हो जाया करता था कि ये तो मंत्री रहेंगे ही रहेंगे। जी। लेकिन इस बार उस सारे लोग, सुशील मोदी से शुरुआत कर लिए, सुशील मोदी का जो एग्रेशन था जी, वो सरकार बनने तक और जिस दिन तक ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि सुशील मोदी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं राज्यसभा, जी तब तक सुशील मोदी बिहार पर बड़ी कृपा कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब उनके कृपा का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है। जी। अब समोसे में चटनी नहीं है। जी। इतना तो तय नजर आ रहा है। आगे आप अगर बात करते हैं चिराग पासवान की, तो क्या चिराग पासवान इतने मजबूत हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो देश की राजनीति में कभी भी कोई भी चाणक्य नीति चल देते हैं, क्या वो चिराग पासवान को चुप नहीं करा सकते थे? जी। इन सब के बाद जो हमने अभी सुना, अभिषेक मिश्रा जो बातें कर रहे थे जी, उन्होंने जो बातें कही है और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि प्रवक्ता जो है अरविंद कुमार जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जदयू को इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं, कोई अधिकार भी नहीं है। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जैसा एनडीए में रह करके नीतीश कुमार का झारखंड में चुनाव लड़ना। जी। नीतीश कुमार को किसने कहा था झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए? वहां तो एनडीए में थे लेकिन लड़ा था उन्होंने चुनाव, तो फिर बिहार के लिए वो क्यों भूल जाते हैं? यानी कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की जो पूरी साजिश चल रही थी या पूरा प्लान चल रहा था, उस प्लान का कोई ना कोई हिस्सा है। फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि नीतीश कुमार आखिर बुलाहटा क्यों दे रहे हैं अपने पुराने साथियों को, आखिर क्या जरूरत पड़ी? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कंधा है उनके पास, वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल तक सरकार चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर लग रहा है। उसके साथ साथ जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो उसी सरकार पर नुक्ताचीनी करना, उस सरकार के प्रशासनिक फेलवर की बात करना, और वो भी छोटे मोटे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ये कहते हो, रोड पे बैठ जाते हो और कहते हो कि सुशासन और प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, तो इससे आप कहां नजर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सारे लोगों को चुप करा दिया गया और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस चिंतन और चिंता के लिए किया गया है कि वो फिर से अपने अंदर की अंतरात्मा को जगाएं और अंतरात्मा को जगा करके कोई ऐसा डिसीजन लें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खुल जाए। वो बड़ी बढ़िया मैं कहता हूं। 30 सेकंड बाबा आपके लिए भी। मैं बस उससे पहले मैं खत्म कर दे रहा हूं कि मैं बार बार रिपीट करता हूं कि रोए के तरह नहीं तब तक खीए खुदा। तो चलिए इसके साथ ही बाबा से विदा लेते हैं। अब हम जो है आग्रह करना चाहेंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा इस सेशन को ज्वाइन करें। तो अभी हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा, जिन्हें आप पंचनामा में एक्सक्लूसिव देखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो है जिसको लेकर के लगातार डिस्कशन चल रही है, 5 मिनट का समय आपको भी मिलेगा, इसी बात पे आपको जवाब देना है कि सरकार में, और हम बात कर रहे हैं खासकर जदयू और भाजपा के बीच जो तनातनी है, वो कहाँ जा करके स्थिर होगी? देखिए, मौजूदा स्थिति में मैं एक बात बहुत सेफली कह सकता हूँ जी, कि बिहार में ये एनडीए सरकार इस स्वरूप में तो आगे नहीं बढ़ सकती जी। अब इस बात को समझाने के लिए मुझे ज्यादा नहीं, 5 मिनट नहीं, 3 मिनट समय चाहिए। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार की असहजता साफ साफ है। मैं बार बार असहजता बोलूंगा, मैं हर पोस्ट में असहजता बोलूंगा जी, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है। अब किसी और को दिखे ना दिखे जी, और मुझे दिखता है तो पता नहीं क्यों सही हो जाता है। नीतीश जी इस स्थिति में है कि वो यहां से इस इंतजार में है कि या तो कुछ नेचुरल डेथ हो जाता जी, या कोई बाबा जो कहे थे रोए के तरह खुदा दी, कुछ कुछ तो हो जाए जी, ये तो नहीं चलना चाहिए जी, ये नेचुरल नहीं है जी। और इस तरह से वेजिटेटिव स्टेट में, मैंने तो सुना था कि इंसान कोमा से निकलता है, उसको दे दिया जाता है लाइफ सपोर्ट और सब्जी की तरह जिंदा रखा जाता है। मैं देख लिया सरकार चलते हुए जी, बिहार की सरकार वेजिटेटिव स्टेट में है जी, उसे बस सब्जी की तरह जिंदा रखा, पानी मार मार के जिंदा रखे हुए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तो राजनीति नहीं करेंगे जी। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, नीतीश की राजनीति के बहुत बड़े बड़े प्रशंसक यहाँ बैठे हुए, दिन भर उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, हम कभी आज तक भेंट भी नहीं किए होंगे ठीक से उनसे, लेकिन मुझे पता है कि नीतीश कुमार क्या कब करते हैं। जी बिल्कुल। जिस वक्त मैं यूपी में बैठा हुआ था और बाबा से मेरी बात हो रही थी, 2017 की बात मैं बता रहा हूँ, बाबा से मैंने फोन पे कह दिया था बाबा सरकार गिर रही है, नीतीश कुमार पैदल मार्च कर रहे हैं राज्यपाल की तरफ, और हो सकता है कि कांग्रेस और राजद को बाहर बैठना पड़े जी। मैने एक दिन पहले बात बाबा को कही थी, मैं यूपी में बनारस में था उस समय जी, और एक दिन बाद वो स्थिति आ गई थी, बाबा ने कहा कि कैसे आपको पता चला? जी बिल्कुल। आंकड़े जोड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, और मेरी बातें जब सटीक होती है तो बहुत सारे पार्टी के इनसाइडर्स मुझे फोन करके बताते भी हैं कि ये चल रहा है। और उस समय तो वाकई नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे जी। अब जो परिस्थिति है इस वक्त, एक बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 15 साल में सरकार जब भी चला है अपने सहूलियत से चला है, अपने
ताकत से चला है, इस बार भाजपा चला रही है जी। और लग रहा था कि भाजपा चलो ठीक है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, नीतीश जी को भी लगा कि भाजपा हो सकता है कि वो ताकत दे, लेकिन जिस वक्त कटा सुशील मोदी का पत्ता जी, नीतीश जी बुझ गए कि कहानी खत्म जी, यहाँ से डाउन हिल है, यहाँ से नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है जी। और वही हुआ, मेवालाल चौधरी प्रथम ग्रासम मक्ष का अंपात्रम जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, अशोक चौधरी टारगेट में है जी, मंगल पांडे गलती करते हैं, अशोक चौधरी से मांगा जाता है इस्तीफा जी। और यही होगा, जीवेश मिश्रा ने जो कहा वो गलत थोड़ी कहा है जी, चिराग पासवान तो इंडिया का हिस्सा ही है जी, नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा नहीं है कि नहीं है, इस पे संशय है जी। और आज जयकुमार सिंह ने वो काम कर दिया है, घंटी बांध दी है बिल्ली के गले में जी, और जब जब बजेगा तब तब समझ में आ जाएगा कि बिल्ली आसपास है जी, बिल्कुल। और ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी, मैंने मुझे लगता है कि हार तो गए थे 28 सीट वहीं पे सिमट के, बहुत कम सीट है, लेकिन ये उनसे ही बड़ी हार है जी। ये आज जो चीजें सामने हो गई, एक्सपोज हो गई एनडीए और माफ कीजिएगा एनडीए के अंदर का जो विवाद है ये सामने आ गया, ये साबित करता है कि परिस्थितियां यहां से डाउन हिल है, यहां से नीतीश कुमार के पास ना तो समय है इस सरकार को चलाने का जी, और ना रिसोर्स है सरकार को बचाने का जी। भाजपा भी चाहती है कि सरकार जितनी दिन चल सके चले, चुनाव सामने दिख रहा है जो बंगाल का है, और उस पर नजर है भाजपा की, भाजपा चाहती है कि अगर परिस्थितियां बदले तो लोग बंगाल के जो सरकारें बनाने की स्थिति होती है उस पर नजर लोगों की रहे, और जो नेता है उनको एहसास रहे कि नहीं भाजपा इतनी बड़ी उदार हृदय वाली है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी त्याग देती है, इतना उदार होती तो एक ही उप मुख्यमंत्री बनाती, दो बनाने की जरूरत क्या थी, ये साबित करने के लिए कि तुम एक हो तो हम दो तुम्हारे सामने भेजेंगे, और दो सेनापति कभी सुना तो नहीं हमने, और ये साबित कर दिया भाजपा ने कि भाजपा ही सरकार चला रही है, नीतीश कुमार के हिस्सा नहीं। और अभी अभी जो इंटरव्यू आप लोगों ने चलाया है भाजपा के नेता का, 60 सेकंड जी, तो भाजपा के नेता का आपने जो इंटरव्यू चलाया है ये साबित करता है कि यहां से बात पटुता बढ़ेगी एनडीए में जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई के बीच। अब देखिएगा, ना तो माझी कुछ बोलेंगे ना मुकेश सहनी कुछ बोलेंगे, राम 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 जपते रहो, किसी तरह से सरकार चलती रहे, अरे मंत्री बने रहे माझी जी के बेटा और मुकेश सहनी जी, लेकिन यही तो बात है, उधार का कितना दिन कपड़ा पहनिएगा जी, अपना सिलवाना पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं आज जो भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार ने जो बातें कह दी है कि चिराग के मामले में नीतीश सरकार को और नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बातें कहीं ना कहीं सभी बातों को जो है हवा देने के लिए काफी है। एक बात अंतिम बोल दूं, समय से मेरा बचा हुआ होगा कि वेंटिलेटर पर जब चले जाता है कोई व्यक्ति अंतिम मरणास स्थिति में, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, 24-48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है जी। मैं कह रहा हूँ आने वाले 10 दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए बचा सके तो बचा ले एनडीए, मुझे लगता है कोई बचाना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक डॉक्टर है, पंचनामा स्पेशलिस्ट, ये भी कह रहे हैं कि आने वाला जो 10 दिन है वो बेहद अहम है बिहार की राजनीति के लिए। बिहार की राजनीति अभी वेंटिलेशन पे है और वहां जाकर के देखना होगा कि बच पाती है। इसे बचाने के लिए किसी को किडनी देना पड़ेगा, किसी को लीवर देना पड़ेगा, किसी का ऑक्सीजन लगेगा, किसी का खून लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, हेमलोक में उभर देना पड़ेगा, हो सकता है। तो अभी का दिन की शुरुआत हुई है, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है, और जो यूपीआई नंबर जो देख रहे हैं उसमें सहयोग आपसे अपेक्षित रहता है, बिल्कुल सहयोग करते रहिए, हमेशा शेयर कीजिए, शेयर करते रहिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, अपने जो हितजन है उन तक पहुँचाते रहिए। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।